इस सत्र की अंतिम कवियत्री रति सक्सेना को कविता पाठ के लिए मंच पर आमंत्रित करने से पहले उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आप एक कवियत्री, लेखिका तथा अनुवादक हैं। आप 2005 से कृतिया अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव का निर्देशन करती आ रही हैं। आपके 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपने हिंदी से 15 पुस्तकें एवं मलयालम से 12 पुस्तकें अनुवादित की हैं। आपको वर्ष 2000 में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद के क्षेत्र में सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में आप 9वें अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 2013 ग्रेनाडा में शामिल होकर आई हैं। आप वर्ल्ड पोएट्री मूवमेंट की एशियन संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ प्रतिनिधि भी हैं। आपकी कविताएं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित होने के साथ साथ कई विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हो चुकी हैं। The first poem is Meri Chadariya. I give one sentence introduction. In our great poet Kabi, he said that my life, my body is like a sheet, bed sheet, which I have never spoiled and keep it like this. But my idea is that you cannot say that you have never spoiled your body, even your soul. It has. But what you have to do that? Every mark or every thing you have to convert into beauty, and then only you can reach to supreme soul. So it is a answer to a great poet from a very small poet. उस सुबह जब मैंने अपनी चादर उठाई तो दिखाई दिया एक नन्ना सा चित्र। उस सुबह जब मैंने अपनी चादर उठाई तो दिखाई दिया एक नन्ना सा चित्र। चादर के आर पार मेरी नींद का परिणाम, मेरी नींद का परिणाम। वह दिन मेरे लिए रेशमी धागों से उलझने का साबित हुआ, और अगली नींद से पहले मेरे सामने थी खिड़की जिसमें दिखाई दिए कई सपने। दूसरे दिन फिर एक नया क्षेत्र, और इस बार रेशम ने धार दिया साथ दिया रंगों का, और रात से पहले तैयार था एक दरवाजा। नींद को बहाना मिल गया खिड़की से झांकने की जगह दरवाजे से निकल कर रात भटकने का हर सुबह एक नए छेद के साथ आती रही। हर दोपहर रेशम रंगों कूचियों में व्यस्त रही। अपनी चदरिया में है विशाल आंगन, उसमें घना बरगद सूरज और चांद अब भी दूर हैं, और मेरी सुबह छेद को तलाशने लगती है जिसमें बुन जाए सूरज और चांद। आदम ब्रह्मांड के ही नहीं, उस पार के पार, अनेकों ब्रह्मांडों के पार, और फिर एक ऐसा चित्र जिससे निकलकर मैं समा जाऊं अपरंपार उस चित्र रहे आलोक में। This is also a little bit Indian philosophy. You know that according to Indian philosophy, the soul is changing the body. Body is the cloth of a soul. But what I feel that everything, even the atmosphere, our house, everything we change. It's like a body. The place where we live becomes the body, and when we change the place,
it is like a dehansa, changing the body. Saat manjil upre zameen par tarbe tikate. Saat manjil upre zameen par tarbe tikate. Thandak ko utar kar rakh deti ho, jo gobar se lipe aangan se meri saat saat chali aayi hai. और स्वेटर की तरह पहन लेती हूँ खिड़कियों अलमारियों और दीवारों से घुरे उस कमरे को. स्वेटर की तरह पहन लेती हूँ खिड़कियों अलमारियों और दीवारों से घिरे उस कमरे को और धीरे धीरे आस पास मेरे देह पर बेल की तरह चढ़ता जाता है. एक घर से निकलकर दूसरे घर तक जाते हुए पिछले घर के कुछ रेशे मेरे देह में रह जाते हैं. मेरे दूसरे घर की दीवारें धूप से बनी हैं अंधेरे के साथ खो जाती हैं को पहनना भी मेरे लिए नींद सा सपनदार होता है. मैं सपने से हकीकत की ओर चलना चाहती हूँ और इस अंतिम घर में मेरा इंतजार करता है एक तकिया, बिस्तरे का एक हिस्सा और दक्षिण की ओर खुलने वाली खिड़की. दक्षिण मृत्यु का घर है, और मैं उसे अपनी देह बनाकर अपने तकिए पर ले आती हूँ. अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ दक्षिण दिशा को अपनाने के लिए This poem is, my poems come from my experience, and this poem has a very good child memory, because in India parents want to keep their daughters under control, and my father had one phrase he used to tell us, and he used this phrase as a pimp. So that we cannot spoil. So he used to say, if a ant get a fly, she will die. Chinti ke par nahi utte agar uge to wo mar jayegi. And mera ye sawal tha ki chinti ke agar par hi nahi ugenge to wo aage kaise, uski aage ki santati kaise jiyegi. So this is the poem. My question again, my reply to my ancestors who want their children under control. चीटी के पर, उन्होंने कहा चीटी के पर नहीं होते. और फिर कहा पर होंगे तो वो उड़ेगी नहीं, और यदि उड़ान ही नहीं तो परों की व्यथा कैसे. यदि उड़ान ही नहीं तो परों की व्यथा कैसी. परों पर चींटी की मौत सवार है और मौत में उड़ान है. परों पर चींटी की मौत सवार है और मौत में उड़ान है. चींटी ने उड़ना शुरू कर दिया नीली रोशनी की डोर थाम परों को दक्षिण दिशा की ओर झुकाए शोर में सन्नाटे का. पीली रोशनी की ओर जिंदगी के विरुद्ध उड़ान को अपनी देह की कोशिका में समेट चींटी ने अगली पीढ़ी के लिए उड़ान के बीज बो दिए.
again about my mother, not say all mothers, because all mothers, the way they live is very different. So this poem calls Pacha Ki Prakriti Thi. Pacha Ki कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी दुविधा में खाली नहीं होता था माँ का भंडार। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी दुविधा में खाली नहीं होता था माँ का भंडार। थोड़ा थोड़ा बचा कर रख लेती थी वह तेल, अनाज, दाल या अचार। भड़िया में नमक के दाने, मर्दबान में गुड़, जी लेते थे सदियां उसकी जादुई कोठरी में। सिम सिम कहे बिना माँ निकाल ले आती थी थोड़ा बहुत जरूरत का सामान किसी भी वक्त। बचा कर रखती थी माँ थोड़ा बहुत मांस कमर और कोल्हों पर। बचा कर रखती थी माँ थोड़ा बहुत मांस कमर और कोल्हों पर, एक के बाद एक जन्म दे सात बच्चों की भूख के लिए और अगली पीढ़ी की गुदगुदे एहसासों के लिए। बचा कर रखती थी माँ किससे कहानियां, अनजानी धुने, सपनों की सीढ़ियां नाती पोतों के लिए जो ठिठके रह गए नानी की कहानियों में उसके जाने के बाद। आखिरी समय बचा कर रखी कुछ सांसें, बचा रहे बेटियों का मैका जिससे वह खुद खुदती रही पानी में पड़ी शक्कर की बोरी से। बचा कर रख लेती थी माँ किसी भी दुविधा में खाली नहीं होता था उसका भंडार। I am talking against music and against so the language of poetry. This is a simple poem and this is again, I am not good in language, so that is why I have to write this poem. Say that yes, though I am not, my language is not good, but I can write poetry. कविता की भाषा मेरे कलम की नोक पर चलनी रखी, मेरी कलम की नोक पर चलनी रखी है जिससे महीन बजरी की तरह शब्द छकते जाते हैं और अक्सर कुछ शब्दों से हिज्जे, मात्राएं और चलनी में फंसे रह जाते हैं। फिर छने शब्दों से एक तुतलाती भाषा निकलती है और आलोचकों का कहना है कि तुतलाती भाषा में कविता नहीं हो सकती। व्याकरण शास्त्री भी इस भाषा पर ही सवाल उठाते हैं। मैं चलनी में फंसे हिज्जों को, मात्राओं को और अर्थों को खींच कर बाहर निकाल देती हूँ और फिर भाषा पर लगा देती हूँ। कविता अब भी नहीं है क्योंकि इस पर शब्दों का प्लास्टर लग गया है। समालोचकों का संदेह है कि आपको संदेह है कि अब मैं समालोचकों को संदेह है कि इसमें कविता नहीं है। अब मैं चलनी और भाषा को छोड़ केवल भाव को उठाती हूँ और डोर बांध आसमान में उड़ा देती हूँ। मेरी कविता जमीन पर चलती हुई आसमान का चेहरा देखती है। मेरी कलम की नोक पर कोई चलनी नहीं है लेकिन किसी समालोचक की निगाह मेरी कविता पर भी नहीं। Last poem is dedicated to the woman who suffered by rape, and not only one woman, this is one of the incidents, and we all know that it was. So this is cry. अभी जो दिल्ली में हादसा हुआ था वैसे हादसे हमारे देश में हर दूसरे दिन होते हैं, लेकिन दिल्ली के जो हादसे ने जो काम किया था वो ये किया था कि उसकी जो चीख थी
जो उसके गर्भाशय से निकली थी, उसके गर्भाशय को निकाल कर जो बाहर किया गया था, उससे जो चीख निकली थी, उससे उस चीख ने मानो तर्क, चीखों का तर्क पैदा कर दिया था। क्योंकि उससे पहले जो हादसे होते थे, इतने लोग उसके विरोध में इकट्ठे नहीं होते थे। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई कंट्री, बट यू माई नो अबाउट द रेप केस हैपेंड इन दिल्ली लास्ट ईयर, एंड इट वॉज terrible and we can't talk about it, but the positive thing in this case was that this was the first time that whole India was together and they came forward to talk, to fight against it. So that is how. Cheek. मेरे गले से निकली मेरी चीख नहीं पाती है जगह, जमीन पर अंबर पर तो दुपक जाती है मेरी छातियों में, मेरे उदर में, मेरे जगहों में और मेरे गर्भाशय में डर जाते हैं। मेरी चीख से नाखूनों से उधेड़ देते हैं मेरी खाल और निकाल कर मेरे गर्भाशय को रोक देते हैं। अब मेरा गर्भाशय इस जमीन पर खड़ा होगा, अब मेरा गर्भाशय इस जमीन पर खड़ा होगा और बन जाएगा एक तरक, उगाएगा करोड़ों चीखों को नकली सभ्यता के किले की चूल्हे खिलाने के लिए। एक चीख मुकम्मल है, एक चीख मुकम्मल।